नमस्कार बेटी सत श्री बचाओ अकाल, आप बेटी देख रहे पढ़ाओ हैं कि इस लाइव नारे को न्यूज चैनल लेकर सरकारी गुरदासपुर। तौर पर बहुत कुछ कहा जाता है, मगर इस नारे की असलियत क्या है, ये खुलासा बटाला के एक परिवार की तीन लड़कियों को देखकर हो सकता है। तीन बहनें हैं जिनके सिर पर पिता का साया नहीं रहा। एक ने पिता के रहते कंप्यूटर इंजीनियर का डिप्लोमा कर लिया था, मगर कहीं नौकरी नहीं मिली। दूसरी ने 10वीं कर ली, तो तीसरी को पिता की मौत के कारण 10वीं की पढ़ाई पूरी कर पाना भी नसीब नहीं हुआ। अब हालत ये है कि तीनों बहनें और इनकी माँ मिलकर घर में टिक्कियाँ बनाती हैं और माँ बेटियाँ मिलकर बटाला के एक निजी अस्पताल के बाहर रेहड़ी लगाकर बर्गर टिक्की बेचने का काम करती हैं। माँ अक्सर बीमार रहती है और हफ्ते में 500-600 रुपये की दवाई उनके लिए लेनी पड़ती है, जबकि रेहड़ी पर बर्गर टिक्की बेचकर वह 250-300 रुपये कमा लेती हैं। किसी तरह घर का खर्च तो चल रहा है, मगर सवाल ये है कि यदि इन लड़कियों को घर से रेहड़ी लाकर सड़क पर बर्गर टिक्की बेचते मीडिया वालों को देखकर अटपटा लग सकता है, तो किसी सरकारी अधिकारी या सत्ताधारी पार्टी के किसी नेता को क्यों नहीं? क्यों नहीं इनकी मदद को अब तक कोई आगे आया? मतलब कि मेरे पापा पहले रेहड़ी लगाते होंगे सी इस अड्डे से, तो मैं 10th की हुई है, तो 10th तो बाद की करना ही मैं अगर भी पढ़ना ही, तो चलो घर की समस्या, पापा भी अड्डे इदा डैथ हो गई उन्होंने अटैक कारण, तो फिर इस करके घर के हालात देख के मैंने रेहड़ी लगानी पई है, तो मैंने पढ़ाई छड़नी पई। तो 250 कमा लिता है, मतलब कि 1000-1200 कमा लिता वा, तो बचता सू 250 रुपया। सिर्फ इन्होंने पिता जी ही जो कमाते सी चारा माना धिया पालते सब कुछ करते सू तो बगैर कोई मतलब कि दिक्कत नहीं कोई भी, सू हर एक चीज़ साड़ी फरमैश जो भी जिस तरह की भी चीज़ सू लोड़वंद चीज़ हर एक चीज़ लिया के दिता है, सू कोई प्रॉब्लम नहीं सी, मतलब कि किसी चीज़ की तंगी नहीं सी। उन्होंने डैथ तो बाद सू मतलब कि प्रॉब्लम तो होंगे आ, पर की कर सकते हैं, महसूस तो है भी व्याहनिया भी आ सब कुछ करना आ, पर मेहनत तो करनी पैनी है, मेहनत करांगे तो खावांगे, तो पलकनू बेटियां भी व्याहनिया ने कोल कुछ होएगा तो व्यावगी, तो जे पले ना कुछ होएगा तो की व्यावगी। लड़कियों ने कभी तू नहीं किया कि मैं रेहड़ी लैके नहीं जाना, मैं शर्म आती है क्या सी कहते सी, तो मैं कहा कि बेटा चलो ठीक है वेख लो जिस तरह तुहाडी इच्छा है, बच्चे की सलाह के नाल ही असी कीती है कि मेहनत करांगे, हाँ घर च करांगे तो साढ़े को नहीं होएगा, तो ये हाँ अपनी मेहनत आ, बच्चों ने समझाया सी कि असी जिनी मेहनत अपनी करांगे ये साड़ी मेहनत वा, अं अपने घर कमावे बनावे सौदा करा, तो चलो साड़ी इज्जत भी है, सानू पता है कि साड़ी धिया की इज्जत की है, पर यह कि चलो करीदा आ, जे साड़ी अपनी इज्जत साफ है तो सानू कोई कुछ नहीं कर सकता। आप भी बीमार रहते हो, किन्ने पैसे दवाई किन्नी की आ जाती? मेरी हफ्ते की 500 रुपये की दवाई आती है, तो हूँ दिक्कत तो करके मैं मतलब कि दवाई चलो खा रही हूँ, पर इस वक्त चलो ठीक हाँ, सियाल चाण के मैं बहुत तंगी होंगी है, तकलीफ ज़्यादा मैं होंगी, गर्मी घट होंगी, सियाल ज़्यादा होंगी, हाथ पैर जुड़ जाते हैं मेरे।